अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जनता जनार्दन कर रही है विचार। उम्मीदवार रोज मिलेगा या वार्ड में नहीं रुकेगी उसकी कार। ताजपोशी से पहले कर लें एक बार विचार। आपको धोखा देगा या बनेगा आपका खेवनहार। ATN उदयपुर न्यूज हर बार की तरह इस बार भी बनेगा मददगार। देखना ना भूले हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार। अगर इस देश के इतिहास की बात की जाए और मेवाड़ के इतिहास का जिक्र न हो तो बात बेमानी से लगती है। और अगर मेवाड़ में राजनीति की बात की जाए और सलुम्बर की राजनीति की बात ना हो तो ये बात भी बेमानी सी लगती है। आज ATN उदयपुर न्यूज की टीम अपने चुनावी सफर में सलुम्बर पहुंची है। क्या कुछ कहती है यहाँ की चुनावी हवा, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के चुनावी समीकरण, इन तमाम बातों से आपको रूबरू करवाएंगे और बात करेंगे आम जनता की समस्याओं की और कटघरे में उम्मीदवारों के वादों की। मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। मतदान मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। मतदान एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कर मैं एक योग्य व्यक्ति को चुन सकता हूं और अपने देश के विकास में भागीदार बन सकता हूं। बस इसी दृष्टिकोण को अपनाएं और मतदान करने अवश्य जाएं। सलुम्बर के चुंडावतों की कुलदेवी बाण माता के मंदिर में मत्था टेक कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, और अगर आशीर्वाद माता का हो तो कहना ही क्या। आपको लिए चलेंगे सलुम्बर की गलियों में, सलुम्बर के चौराहों पर, सलुम्बर की आम जनता के पास, लेकिन उससे पहले जानेंगे यहाँ का वीर इतिहास। चलते हैं हाड़ी रानी की प्रतिमा की तरफ। कहा जाता है एक तराजू में पूरे देश के इतिहास को रख दें और दूसरे पलड़े में मेवाड़ का इतिहास रखें तो मेवाड़ का इतिहास पूरे देश के इतिहास पर भारी पड़ेगा और यह पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। कभी गुलामी स्वीकार नहीं करने वाले मेवाड़ में महाराणा प्रताप की धरा पर कई ऐसी वीर गाथाएं हुई है जिसको सुनने के बाद हर मेवाड़ वासी का खून खोल उठता है, और यही कहानियां हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और इन्हीं कहानियों में से, इन्हीं इतिहासों में से एक हुई है हाड़ी रानी, जो कि सलुम्बर की है। आपको बता दें कि हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सिर काटकर युद्ध के मैदान में भिजवा दिया था। सिर काटने और युद्ध के मैदान के पीछे की इस कहानी में एक अमर प्रेम कथा छिपी हुई है। सलुम्बर की रानी हाड़ी की यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब किशनगढ़ के राजा मानसिंह थे और तब औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए कूच भी किया था। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकने की जिम्मेदारी सलुम्बर के राव रतन सिंह को सौंपी थी। राव रतन सिंह की शादी इससे एक दिन पहले ही हाड़ी रानी के साथ हुई थी। रानी के हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि राव रतन सिंह को युद्ध के मैदान में जाना था। राव हाड़ी रानी से इतना प्रेम करते थे कि एक पल भी दूर रहना गंवारा नहीं था। सलुम्बर महल के चौक में खड़े होकर वे अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन मन रानी को लेकर उदास था। और तभी एक सैनिक से उन्होंने रानी की निशानी लाने को कहा। जब सैनिक रानी के पास निशानी लेने पहुंचे तो रानी को लगा कि राव रतन सिंह उनके प्रेम से, मोह से छूट नहीं पा रहे। ऐसे में हाड़ी रानी ने अपने हाथ से ही अपना शीश काट कर, जी हाँ, हाड़ी रानी ने अपने हाथ से ही अपना शीश काट कर सैनिक के साथ भिजवा दिया। अपने प्यार में भ्रमित नहीं हो पति, और उसका जोश बरकरार रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए और उनको कर्तव्य याद दिलाते हुए हाड़ी रानी इस बलिदान के साथ हमेशा के लिए अमर हो गई। हाड़ी रानी की इस पवित्र धरा सलुम्बर पर आज ATN उदयपुर न्यूज की टीम पहुंची है। यहाँ के क्या है चुनावी समीकरण, ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चलते हैं यहाँ के गलियारों की ओर। गली गली में हल्ला, वोट फॉर बल्ला, सलुम्बर की गलियों में इन दिनों यह नारा तेजी से गूंज रहा है। गली मोहल्लों को इस नारे ने गुंजायमान कर रखा है। आखिर क्यों बल्ले का हल्ला इतना जोर से सलुम्बर में हो रहा है, बात करेंगे
बीजेपी से भागी हुए एक कैंडिडेट से जिन्होंने इस बार बल्ले का दामन थामते हुए चुनावी रण में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की है। सर नाम बताएं आपका सबसे पहले। धर्मेंद्र शर्मा। क्या कारण रहे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने के बाद आज भागी होकर आपको अलग से खड़ा होना पड़ा? मैं मेरी मातृभूमि सलूम्बर के लिए, सलूम्बर के विकास के लिए मैं बागी बना हूँ। मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, पार्षद बनने के लिए नहीं, इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए, इस सलूम्बर के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं बागी के रूप में चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और मुख्य रूप से अगर ये देखा जाए तो हम लोग बागी नहीं हैं, बागी वो लोग हैं जिन्होंने इस मातृभूमि, इस सलूम्बर के साथ बगावत की है और योग्य व्यक्तियों का टिकट काटा है। क्या कारण रहे सर, क्यों कटा गया टिकट और मैं रीज़न ही पूछना चाह रहा हूँ क्यों खड़ा होना? देखिए, मेरी अर्धांगिनी राजेश्वरी शर्मा 2 साल इस नगर पालिका की अध्यक्ष रही और पूरी जनता ये जानती है कि उनके इस 2 साल के कार्यकाल में सलूम्बर में खूब विकास हुआ। उस विकास के दौरान इन लोगों को वो विकास खटका नहीं है और जो लोग सलूम्बर के विकास के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने हमेशा अपने घर से राजनीति चलाने के प्रयास किए हैं, उदयपुर में जो इनके आका बेटे हैं उन आकाओं के निर्देशनों में ये यहाँ पर सत्ता हमेशा चलाते आए हैं, उनकी वो जो ताकत है उस ताकत की वजह से मेरा टिकट कटा है। बल्कि मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि यदि जनता से पूछा गया होता, यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा गया होता तो निश्चित रूप से मैं और मेरे जो साथी थे जो कि पिछले बोर्ड में राजेश्वरी शर्मा के कार्यकाल में जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ सलूम्बर के विकास की ओर कदम बढ़ाए थे उन सबको टिकट भी अवश्य मिलता। आपके पास लौट कर फिर आऊँगा, कुछ आपके समर्थक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नाम बताएं। राकेश पुरबिया। क्या लगता है सलूम्बर क्या चाहता है, वो लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होनी है? सलूम्बर के लोग अब समझदार हो गए हैं, सलूम्बर के लोग अब विकास का साथ देंगे, सलूम्बर के लोगों की समझ अब परिपक्व हो गई है। अब ऐसे लोग जो चापलूस से जो मौका परस्त हैं, जो तलवे चाट के टिकट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक जरूर सलूम्बर की जनता सिखाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा सलूम्बर की जनता में माहौल है। क्या मुद्दे हैं सर इस बार, मुद्दे क्या हैं? विकास के मुद्दे हैं सबसे बड़ा। सलूम्बर में एक गली में जहाँ पहले भाजपा वोट तो मांगती है और पार्षद जीत भी आते हैं, कितने साल हो गए, 30 साल से अभी राज कर रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो अभी भी नली में, नालियों में और जो भी चल रहे हैं वो ठीक है। धर्मेंद्र जी ने इनके कार्यकाल में, इनके श्रीमती जी कार्यकाल में जो 2 साल में कोशिश इन्होंने प्रयास पूरा किया और उस प्रयास का नतीजा भी अच्छा मिला है, पर पार्टी ने इनको वो प्रयास विफल हो इसके लिए इन्होंने काट दिया, उन्होंने पार्टी ने आगे सपोर्ट किया ही नहीं। निर्दलीय खड़े होने के बाद उसी तरह से लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? 100% है, उसे मिल भी रहे हैं। ये कैंडिडेट पूरे सलूम्बर के हैं, वे तो ठीक है अभी एक वार्ड में खड़े हुए हैं, अगर पूरे सलूम्बर से सीधा चुनाव होता तो ये अध्यक्ष के सीधे चुनाव उसमें जीतते, ये मेरा पूरा विश्वास था। और भी लोग हमारे साथ हैं, सर नाम बताएं। मेरा नाम प्रहलाद पटेल है। क्या मुख्य मांग क्या है सलूम्बर को, क्या चाहिए जो अब तक नहीं मिला है? वार्ड नंबर 7 का प्रत्याशी भी हूँ, निर्दलीय रूप से लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव चिन्ह पर लाया है, गली गली मोहल्ला वोट पर मिला। मुख्य मुद्दा हमारे सलूम्बर का यही सफाई और जो तालाब में जो नदी है, ये मतलब कहने का मतलब नालेज की जो लाइन जा रही है उसको हटाना है, वो तालाब की सफाई कह रहा है। मुख्य मुद्दा यही हमारे मोहल्ले का। उसे मिल रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, जीत रहे हैं इस बार, जीत रहे हैं। सर कितनी सीटें हैं निकाय? देखिए 25 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है और विकास मंच की ओर से भी 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और जीत और हार किसको नसीब होती है उसको लेकर हम चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि विकास मंच का एक भी प्रत्याशी जीत कर अगर नगरपालिका में पहुंचता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो अच्छे काम बोर्ड करेगा उसका समर्थन करना और जो गलत काम होंगे उसका पुरजोर विरोध करना और जनता के हित के लिए विकास मंच बोलता रहेगा। बिल्कुल, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान इधर उधर भटके नहीं, इसके लिए यहाँ की हाड़ी रानी ने जो बलिदान दिया था वो सभी लोग जानते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सलूम्बर का विकास करने के लिए किसी भी तरह से मार्ग में कोई बाधा नहीं आए, इन्हीं दृढ़ संकल्प के साथ जो भी चुनावी मैदान में उतरेगा मुझे लगता है जीत उसकी तय है। क्या कहेंगे सर, हाड़ी रानी एक महल, आपका जो हाड़ी रानी का महल है उसकी जो स्थिति है आज की तारीख में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाड़ी रानी हमारे सलूम्बर का गौरव है, इसीलिए जब
मेरी अर्धांगिनी जी को अध्यक्ष का पदभार मिला तो उन्होंने सबसे पहले 14 जनवरी को हाड़ी रानी गौरव दिवस घोषित कराया, बोर्ड में प्रस्ताव लिया और दो कार्यकाल के दो साल में दो बार 14 जनवरी आई और दोनों दिन पर विशाल कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक संध्या की, जिससे लोगों में पहचान पहुँचे, हाड़ी रानी की पहचान वहाँ तक पहुँचे और गौरव दिवस मनाया। हमने बोर्ड में प्रस्ताव लेकर हाड़ी रानी की प्रतिमा बनवाई जो कि आज नगरपालिका में रखी हुई है, संभागीय आयुक्त कार्यालय से अनुमति का इंतजार है, वो प्रतिमा जो है वो बस स्टैंड पर लगेगी। हाड़ी रानी महलों को लेकर हमने काफ़ी प्रयास किए, सांसद और विधायक महोदय को भी हमने पत्र लिखे, उसमें से सांसद महोदय ने 5 लाख का बजट नगरपालिकाओं को अवश्य देने की बात कही थी, फिर PWD को वो बजट 5 लाख रुपये दिया, लेकिन उसमें भी एक बाइलॉज डाल दिया कि पुरातत्व विभाग से इसकी NOC प्राप्त करें, तो पुरातत्व विभाग की NOC नहीं आने से वो कार्य भी हमारा अधूरा रहा है। लेकिन विकास मंच के जो हमारे साथी हैं उन्होंने इस महल की पीड़ा को समझा, भाई प्रहलाद जी और इनके साथ जो भी लोग लगे हुए हैं उन लोगों ने जन सहयोग से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप भी महलों को जरूर देखना, उन्होंने जन सहयोग से अभी उसके मरम्मत का कार्य पिछले 2 महीने से प्रारंभ कराया है, फिर से वो नया रूप ले रहा है और हमें आशा है कि यदि सरकार किसी कारण से इसमें सहयोग नहीं कर पाई तो जनता की जो सरकार है, जनता जो है, उससे कहीं ना कहीं हम सहयोग लेकर, मदद लेकर इस हाड़ी रानी के महल का संरक्षण अवश्य करेंगे। अगर राज्य सरकार कोई मदद नहीं कर पाई तो जनता सरकार इसका निर्णय करेगी और मेवाड़ का गौरव, सलुम्बर का गौरव, हाड़ी रानी का महल इन दिनों जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस दुर्दशा का शिकार हो रहा है, यह सच में एक शोचनीय विषय है। वोट तो आते जाते रहेंगे, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये आपके मेवाड़ का इतिहास है, इसे खुर्द बुर्द होने से बचा लीजिए। यही निवेदन ATN उदयपुर न्यूज़ टीम आपसे करना चाहती है। सर, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, अगर आप जीतते हैं तो किस तरह का वादा आप लोगों से करते हैं और अब तक के जो 30 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाय में अपना वर्चस्व रखा है और शहरी सरकार बनकर सामने आई थी, वैसे अब अगले चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, किसका बोर्ड बनने जा रहा है, ये भी बात जानना चाहेंगे। देखिए, वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, मतदाता बड़ा खामोश है, कहना बड़ा असंभव सा है कि किसका बोर्ड बनेगा, परंतु मुझे ये उम्मीद है कि इस बार सलुम्बर की जनता योग्य व्यक्ति को चुनकर उस बोर्ड में भेजेगी और यदि हम लोग उस बोर्ड का हिस्सा होते हैं तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हाड़ी रानी का गौरव बढ़े, जगह जगह पर हाड़ी रानी की प्रतिमाएं स्थापित हो, हमारा जो तालाब है जिसका हमने सफाई का अभियान प्रारंभ किया, नावें चलाकर कमल को उसमें से निकालकर जलकुंभी को निकालना हमने प्रारंभ किया, उसमें कॉमन कोर फिश छोड़कर उस तालाब को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखें, इस तरह का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे और एक नाली जो तालाब के अंदर सीवरेज के रूप में जा रही है जिसका पानी हमेशा तालाब में गिरता है और उसका पानी गंदा करती है, हम लोगों की दिली ख्वाहिश है कि जितना आंदोलन करना पड़ेगा उतना आंदोलन पालिका बोर्ड में पहुंचने के बाद करेंगे, परंतु इस नाली को बाहर निकालेंगे और तालाब को स्वच्छ बनाएंगे और जो सरणी नदी जो सलुम्बर की पहचान है उसको भी एक नया रूप देंगे। सोनार माता इस सलुम्बर की आराध्य देवी हैं जो कि सलुम्बर के उत्तरी भाग में एक पहाड़ पर बड़ा ही रमणीय स्थल बना हुआ है जहाँ लोग हर रविवार काफ़ी संख्या में जाते हैं, वहाँ पर भी किसी तरह से भक्तों का मेला बढ़े, पर्यटक वहाँ पर बढ़े, इस तरह का हमारा उद्देश्य है कि सलुम्बर में पर्यटन स्थल बढ़े, रोजगार के संसाधन पर्यटन के माध्यम से हाड़ी रानी महल है, सोनार माता, इनके माध्यम से बढ़ सकते हैं। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि सलुम्बर में रोजगार भी बढ़े, शांति व्यवस्था भी बनी रहे, सबको साथ लेकर चलें और स्वच्छ सुंदर सलुम्बर हम बनाकर जनता के सामने पेश करें। हम भी यही आशा करते हैं कि जितने भी तमाम प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं वो अपने वादों पर खरा उतरें, कहीं ऐसा ना हो कि मतदान करने के बाद, शहरी सरकार बनने के बाद लोग अपने आप को ठगासा महसूस करें। ATN उदयपुर न्यूज़ सलुम्बर की तमाम जनता से अपील करता है कि सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि वादे दावे सभी उम्मीदवारों के पिटारों में होंगे, आपको लुभाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है और हाँ, मतदान अवश्य करना है, क्योंकि यही मताधिकार है जो आने वाले 5 साल तक आपके शहर का विकास करेगा और आपके वादों पर खरा उतरने वाला है। हाड़ी रानी की पवित्र धरा सलुम्बर में इन दिनों राजनीति में काफी भूचाल आया हुआ है, निकाय चुनाव 2 दिन बाद होने हैं और उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है, शहर गली मोहल्लों में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और लगभग
आज शाम तक यह दौर खत्म भी हो जाएगा। हमारे साथ कुछ वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना सर्वस्व दिया, लेकिन उसके बाद आज जो नतीजा उनको मिला वो क्या बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप मतदान करने वाले हैं, आप वो वोटर्स हैं जो शहर की सरकार का चेहरा तय करते हैं। आप लोगों तक वो तमाम बातें पहुंचने बहुत जरूरी होती है। सर नाम बताएं आपका। मेरा नाम राकेश पुरबिया है। मैं हुआ था आपके साथ कोई चुनाव चिन्ह आपको मिल चुका था, उसके बाद आपसे फिर ले लिया गया, ऐसा क्या हुआ? पहले तो मैंने एक दिन पहले ही मना कर दिया था मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। फिर मुझे पार्टी के कुछ लोग आए कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़ोगे तो आपके साथ साथ 4-5 बार बीजेपी निकालेगी और पार्टी की जीत होगी और पार्टी के अच्छे के लिए आपको चुनाव लड़ना है। मेरे परिचितों और रिश्तेदारों का भी दबाव था कि आप चुनाव लड़ो। इस बात पर मैं पार्टी के आश्वासन पर तैयार हुआ चुनाव लड़ने के लिए। मैं सैकड़ों लोगों के साथ पूरे वार्ड के 500-600 मोहल्लों के सभी लोगों को 500 लोगों को लेकर चुनाव फॉर्म भरने गया। वहाँ मेरा फॉर्म भरा और फिर अंतिम समय में जब सिंबल देने की बारी आई तो मेरा सिंबल भी ओके हो गया और वहाँ से जब चुनाव अधिकारी के पास पहुँचा मेरा सिंबल था और लास्ट मोमेंट पे जो लोग लेके आए थे उसके साथ उन्होंने कहा कि इसमें कुछ करेक्शन है, बाहर लेके निकले और फिर मेरा नाम हटा के मेरा सिंबल जेब में डाल के दूसरे व्यक्ति गणपत पुरबिया के नाम का सिंबल उन्होंने चुनाव अधिकारी दिया और मेरा फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिल चुका था और चुनाव चिन्ह मिल चुका था। चुनाव चिन्ह मिला था, वहाँ से ओके होके भी आया, चुनाव अधिकारी को दिया भी सही और फिर उसको करेक्शन के नाम से उस चुनाव अधिकारी टेबल से वापस लिया और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का सिंबल दे दिया गया इसी वार्ड से। तो देखा आपने टिकट मिलने के बाद टिकट किसी और को मिल जाना और दूसरा चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव से तौबा कर लेना, ये कहानी थी भाई साहब की। और किन कारणों से ये हुआ, कौन लोग थे जिनके प्रेशर में ये काम हुआ, ये भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा आपके साथ? ये मेरे साथ इसलिए हुआ कि लास्ट 2 ईयर्स पहले सलूमगढ़ में चेयरमैन कमला गांधी थी, उसको हटाकर क्योंकि उनके कार्यकाल में 3 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ था, विकास के काम ठप हो गए थे। हम लाख कोशिश करके भी हमारे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं करवा पाए, करोड़ों रुपये नगर पालिका में फंड पड़ा हुआ लेकिन काम होता ही नहीं। तो फिर पार्षदों की एक राय बनी कि इस चेयरमैन के कार्यकाल में तो काम हो ही नहीं पाएगा, तो फिर हमने हमारे ही पार्टी की राजेश्वरी शर्मा को चेयरमैन बनवाया विश्वास प्रस्ताव ला के, और उसके बाद जो नगर में विकास की गंगा बही है सबके सामने, पूरे नगरवासियों के सामने है। और यही वजह थी कि कुछ लोग हमसे नाराजगी पाले हुए थे कि हम इन्होंने हमारी भाभी को चेयरमैन पद से हटाया, जो कैलाश जी गांधी अभी जिला उपाध्यक्ष है, उनकी भाभी है कमला जी गांधी, उनको अध्यक्ष पद से हटाया। उसी दुश्मनी का पालने के लिए मेरा टिकट काटा गया अंतिम समय में और मेरा टिकट किसी और व्यक्ति को दिया गया। सलूमगढ़ में अभी एक ही व्यक्ति की चल रही है भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्ति विशेष के नाम पर कैद हो गई है, कैलाश गांधी जो देहात जिला उपाध्यक्ष है और उसके उदयपुर के कुछ आकाओं का समर्थन है, उनको खुला समर्थन है, वो चाहे जैसे निर्णय लेते हैं, चाहे जैसे पार्टी को तोड़ मरोड़ देते हैं, जो योग्यता रखते हैं, जो आदमी योग्य है जो काम कर रहे हैं उसकी योग्यता को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो चापलूस है जो उनकी तलवे चाटता है, जो उनकी जाग पर हाजिरी लगाता है, उस ऐसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से यहाँ पर बोर्ड है, अविश्वास प्रस्ताव जब आया था तो अविश्वास प्रस्ताव में आप भी शामिल थे, ऐसे कई सारे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में जो आपके साथ होंगे, क्या उन सभी के साथ इसी तरह से बर्ताव किया गया है? पिछले कई सालों में मेरा जो अनुभव है कि इस व्यक्ति विशेष ने 15-20 सालों से भाजपा की राजनीति को एक अपने घर की चार दीवारों में कैद कर रखा है। जो भी योग्य व्यक्ति जो सलूमगढ़ की राजनीति में उभरना चाहते हैं, जो जनता की सेवा करना जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष ने उनको काटने का काम किया है, उनको उभरने नहीं दिया, उनको कहीं कहीं डैमेज किया और राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी उभरने नहीं दिया। हम लोग भी जब 3 साल पार्षद थे पूर्व में राजेश शर्मा के पहले, तो किसी भी बड़े नेता से हमें इवन पास में बिठाया नहीं जाता, उन्हें बोलने का मौका नहीं, उनसे मिलाया नहीं जाता था, क्योंकि कहीं ये आगे नहीं बढ़ जाए, ये योग्य व्यक्ति ये आगे बढ़ जाएगा तो मेरी राजनीति का क्या होगा। तो जो भी योग्य व्यक्ति था जो सलूमगढ़ में सेवा कर रहे हैं, जो सलूमगढ़ में आगे बढ़ना चाहता, उनके पर काटने का काम इस व्यक्ति ने किया। कार्यकाल में जिन लोगों ने काम किया और इस बार उनको टिकट नहीं मिला और अब वो बागी होकर और इस तरह से चुनाव अगर लड़ रहे हैं, बाजार मार्केट में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये तो पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से दूर करें जो पार्टी की विचारधारा को समर्थक नहीं है, वो अपनी ताना से थोपना चाहता है। अगर पार्टी की थोट को लेकर अगर वो आगे बढ़ते तो शायद सलूमगढ़ में नौबत नहीं आती, सलूमगढ़ बोर्ड किसी भी हाल में 7वां बोर्ड भी बीजेपी का बनता, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की दादा के कारण आज सलूमगढ़ में लोगों को कहीं ना कहीं असंतोष का भाव है और इसी वजह से लोगों में भारी नाराजगी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी संगठन के जाजम से दूर रखें और योग्य व्यक्ति को टिकट दें, योग्य व्यक्ति को जाजम पर बैठाएं। हो पाएगा
विकास तो पिछले 2 वर्षों में इतना किया जो पिछले 28 सालों में नहीं हुआ। हम लोगों ने सलूम्बर के हर क्षेत्र में, चाहे सरणी नदी हो, चाहे शेयरिंग तालाब हो, चाहे सलूम्बर के सभी शौचालय हो, चाहे पार्क हो, चाहे फाउंटेन है, चाहे सड़कें हो, नालियाँ हैं, कहीं भी सीसीटीवी, इवन लोगों की सुरक्षा के लिए सलूम्बर के हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगाए। हमने हाड़ी रानी की प्रतिमा लगवाई बना दी है जो नगर पालिक में पड़ी हुई है, संभागीय आयोग से परमिशन का इंतजार है। हमने हाड़ी रानी गौरव दिवस 14 जनवरी को मनाना शुरू किया, भारी संख्या में कार्यक्रम से सांस्कृतिक लोग हुए हैं। हमारी तरफ से सलूम्बर के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस को किस नज़र से देखते हैं, क्या वजूद रखती है कांग्रेस यहाँ पर? इस चुनाव के पूर्व तो सलूम्बर में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था, ऐसा लग रहा था कांग्रेस कहीं आसपास भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक हालात बने हैं तो कहीं के बीजेपी के लोगों ने ही कांग्रेस को लोगों को उभरने का मौका दिया, उनकी बात रखने का मौका दिया। बाकी तो 7वीं बार बीजेपी का वोट तय था, बीजेपी आनी तय थी, लेकिन कहीं कहीं टिकट वितरण में बहुत भारी कमियां रखी गई। अनिता साबरा वार्ड नंबर 16 से जो टिकट की दावा थी, LLB कर रखी लड़की है जिसका टिकट जयपुर से फाइनल हो गया था, और उस टिकट को अंतिम समय में जो लड़ना ही नहीं चाहता, जिसने सरेंडर करते मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, उस व्यक्ति को घर से उठा के लाते हैं उस भगवंती को, और फिर उसका टिकट तय करके उसको फॉर्म भरवाते हैं, और जो जयपुर से टिकट तय हो गया था ऐसे योग्य प्रतिभा लड़की का, उसका टिकट भी काट दिया जाता है। तो कुछ न कुछ पार्टी में कमजोरियाँ हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो लोग इस नीति निर्धारक हैं उनको सोचना चाहिए कि जो योग्य है, जो योग्यता रखते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो पार्टी की जाजम में काम करें उनको ही टिकट दें, जो चापलूस है, जो मौका परस्त है, ऐसे लोगों को पार्टी से दूर रखें तो सलूम्बर में वापस बार बार उभरेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ समर्थक भी हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के क्षेत्रवासी भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है जनता क्या चाहती है, क्योंकि वादे दावे दोनों ही पार्टियाँ करेंगी, हर बार कहते आ रहे हैं, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, क्या आधारभूत कमियाँ यहाँ पर रह गई है जिसको पूरी करने के दावे जो करेगा, जो विश्वास दिलाएगा कि उन कमियों को यहाँ पूरी की जाएगी, उस बात को लेकर यहाँ पर इस बार वोटिंग होनी है। सर कैसे देखते हैं यहाँ पर आम काम को लेकर, जो जमीनी स्तर पर जो काम है वो सलूम्बर में क्या हुआ है, क्या बाकी है? नमस्कार, मैं बिहारी लाल पुरोहित, मैं इसी सलूम्बर नगर का रहने वाला हूँ, और जैसा कि मित्र राकेश जी पुरविया ने अभी बताया, ये 7वां चुनाव है, लगभग हम छात्र जीवन से साथ ही हैं। मैं खुद 7वीं बार स्थानीय निकाय के लिए वोट डालूंगा 2 दिन बाद, लेकिन पिछले 30 सालों में 6 बार चुनाव हुए और 6 चुनावों को मैंने मेरी आंखों से देखा और मैंने स्वयं ने मतदान किया है, और इनमें तो नहीं लग रही है, इनमें 2-3 चुनावों में ऐसा लगा था कि बड़ी बदलाव की लहर है लेकिन बदलाव हो नहीं पाया, लेकिन अभी हाल की राजनीति में सलूम्बर की सियासत में जिस तरह से फेरबदल हुआ है, या लोगों में असंतोष है, या एक नई उम्मीदें जगी है, उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा अभी संभावना यही लग रही है कि सलूम्बर में बदलाव चाहते हैं लोग, और इस बार बदलाव होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं यहाँ के काम को आप, क्योंकि आपने यहाँ पर पत्रकारिता की है। उदयपुर ATN उदयपुर न्यूज़ टीम का ही एक हिस्सा है सुरेश टेलर, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ के हर गली हर मोहल्ले में ये घूमे हैं, यहाँ की क्या आधारभूत कमियाँ हैं, क्या ज़रूरत है वो इन्हें सबसे अच्छे से पता है। क्या लगता है चुनावी माहौल को छोड़ने के बाद आप क्या देखते हैं यहाँ पर, जो काम बाकी रह गए हैं या हो चुके हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और किस मुद्दों पर इस बार वोटिंग होनी है? मुद्दे तो विकास के नाम, मोदी के नाम से भाजपा वोट मांग रही है और कांग्रेस अशोक गहलोत के नाम से वोट मांग रहे हैं, पर यहाँ की आम जनता अब व्यक्ति को चुनने लग गई है। पहले जातिवाद में बटे हुए थे, पर अब लोग अपने व्यक्ति के चेहरे देखकर वोट डालना चाह रही है। मैं इस वार्ड का रहने वाला हूँ, इस वार्ड की बात करें तो मेरे वार्ड पार्षद रह चुके हैं राकेश जी पुरविया, इन्होंने जो 28 साल में काम नहीं हुआ था, हमारी नाली मतलब 6-6 महीने तक बढ़िया रहती थी, पर इनके आने के बाद जो सफाई हुई, जो काम हुए, सब अच्छा हुआ। पर इन्होंने जो पार्टी की बात तो मैं नहीं करता हूँ, पर वार्ड हिसाब से बात करूँ, इनका टिकट काटना, इनको पहले लड़ना 19 से था, 20 से पुष्पेंद्र जी से सोनी थे, पत्या जी हैं अभी, उन दोनों का फाइनल टिकट वो 19 से राकेश जी लड़ेंगे और 20 से, पर कई टिकट हेर बदल में इनका नाम काट दिया गया। एक बड़ा समुदाय है और अच्छा पूर्वी समाज यहाँ वजूद रखता है, उनको एक नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कमी क्या रह गई, क्योंकि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, फिर भी चुनाव हर बार होते हैं, हर बार वादे होते हैं, हर बार दावे होते हैं, दोनों ही पार्टियाँ अपने वादे इस बार फिर करके आ रही है, अपना अपना घोषणा पत्र भी दिया है, क्या कमी है यहाँ पर जो आने वाली सरकार को काम करना है? यहाँ जैसे परिवहन निगम जो खुलना है, आज 56 की मांग कर रहे हैं, दोनों पार्टियों ने उस पर सहमति और घोषणा पत्र में दिया है कि हम करेंगे, वादे पहले भी किए थे कि 56 या 34, 36 से चले आ रहे हैं, 36 के बाद 38 हुआ, पर अभी तक 56 नहीं आया हमारे पास।
और अब की बार देखते हैं सरकार गहलोत सरकार की है और CWC मेंबर रघुवीर जी मीणा हैं, चाहे तो वो कर सकते हैं। उन्होंने भी इस मुद्दे को पहले भी कर सकते थे, पर नगर पालिका चुनाव अगर उनका बोर्ड बनता है, वो जानते अगर बोर्ड बनता है तो मैं इनको सौगात दूंगा। सभी को आस है कि बोर्ड बने और ये सौगात मिले। बिल्कुल, बोर्ड चाहे किसी का भी बने लेकिन सौगातें लगातार मिलनी चाहिए। सर नाम बताएं। राजेश पुरिया। क्या कमी है यहाँ पर? सर बहुत कमी है, या तो बीजेपी के 28 साल में जो इन्होंने कार्य किया, जो इन्होंने राकेश जी पुरिया और राजेश्वरी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हुआ। हम अब इन निर्दलीयों के साथ हैं, बीजेपी का हम साथ नहीं देंगे। और मैं ही नहीं, मैं आप किसको बीजेपी को वोट? बीजेपी को 28 साल से बीजेपी वोट देते आए। बीजेपी ने इस बार जो वोट काटे हैं इस वजह से आपका भी वोट कटेगा? बिल्कुल साहब। कितने लोग हैं ऐसे जो बीजेपी ने उनके वोट टिकट काटे हैं और इस बार निर्दलीय होकर मैदान में हैं? ये साहब कोई 7-8 वोटर ये हैं प्रत्याशी जो इनके तो टिकट काटे हैं, और वो सभी वार्डवासी नहीं चाहते अब हम बीजेपी को वोट दें। सभी पार्टी चेंज करेंगे और इस बार बीजेपी का वोट नहीं बनाकर हम किसी दूसरी पार्टी का वोट बनाकर वापस विकास की दर नहीं विकास की दर शुरू करेंगे। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस आती है, तो क्या अगर बीजेपी को वोट नहीं जाएगा तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे साहब, हम कांग्रेस का साथ देंगे, समर्थन हमारा कांग्रेस की तरफ है। का नाम बताएं। जी नारायण लाल। क्या बड़ी सौगात मिली है पिछले साल? सर हम जब से समझदार हुए तब से हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ये 6 बार वोट बना, वो हमारे समाज गांचा समाज है हमेशा बीजेपी को वोट करती है, लेकिन आज दिन तक हमारे गांचा समाज के लिए न बीजेपी वाले ने हमारी कोई सुनवाई की, और गांचा समाज का आज दिन तक कभी भी कोई साथ नहीं दिया, न तो नगर पालिका में दिया है और न ही पार्टी वालों ने दिया। खाली वोट मांगने आते हैं, उसके बाद में हमको पूछते नहीं। हमारी समाज एक छोटी समाज है, करीबन 200 वोट है हमारे, वार्ड नंबर 14 में भी हैं, 19 में भी हैं, 20 में भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कभी अभी इस बार बदलाव करना चाहते हैं, ताकि ये पार्टी 5 साल के अंदर हमारे लिए कुछ करेगी तो हम आगे जाके इनका साथ देंगे, नहीं तो हम फिर वापस बदलाव करेंगे। इस बार सलूम्बर बदलाव चाहता है। जिस तरह का यहाँ का चुनावी माहौल देखा जा रहा है उससे लगता है कि इस बार बदलाव हो सकता है, लेकिन 28 तारीख को होने वाले मतदान के बाद कौन सी पार्टी सीट पर आकर बैठती है, कौन सी पार्टी सलूम्बर का जिम्मा उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।